बेड से गिरना मेडिकल भाषा में सिग्निफिकेंट हाइट एक शब्द यूज करते हैं, वो नहीं है। हाँ, लेकिन जैसे बच्चा बिल्कुल न्यू बॉर्न है, वैसे न्यू बॉर्न 4 से 6 महीने की एज से पहले पलटना शुरू नहीं करता। ये वो एज है जब बच्चा 6 से 8 महीने या साल भर का होता है, ये तब ये समस्या काफी कॉमनली देखने को मिलती है। सभी हर बार जब बच्चा बेड से गिरे अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं होती। क्या लक्षण है, जिस तरह से हमने डायरिया या दस्त में हमने कुछ रेड फ्लैग्स की बात करी थी या कुछ खतरे के निशान की बात करी थी, हम फिर से कुछ रेड फ्लैग्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो इस स्थिति में रेड फ्लैग्स क्या है? खाली सर पे सूजन आना या ब्रूज बनना, जिसको हम नॉर्मल भाषा में नॉर्थ इंडिया में गुमड़ा बनना बोलते हैं या नील पड़ना बोलते हैं, अपने आप में ये इंडिकेशन नहीं है कि आप अस्पताल जाएं। जो आपने रेड फ्लैग या जो खतरे के निशान है जिसका आपने ध्यान रखना है, एक, अगर गिरने के बाद बच्चा उल्टियां कर रहा हो, उसके नाक या कान या गले से कहीं मुंह से खून आए, या किसी भी तरह का दौरा या बेहोशी, अगर इनमें से कोई भी एक लक्षण है तो आपको तुरंत निकटतम अस्पताल में जाना है। अगर इनमें से कोई लक्षण नहीं है और सिर्फ सूजन है और आपको लग रहा है कि बच्चा दर्द की वजह से रो रहा है, तो आप पैरासिटामोल, जो कि बड़ा कॉमनली आजकल सभी घरों में दवाई उपलब्ध होती है, आप वो दे सकते हैं और आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं। लेकिन जो लक्षण मैंने अभी समझाया है, अगर इनमें से कोई भी एक लक्षण आपको दिखता है तो आपको तुरंत निकटतम अस्पताल में जाना है। इनडायरेक्टली ये बताते हैं कि हो सकता है सर में भी खून का प्रवाह या जिसे कहते हैं खून का थक्का जमना, उसमें ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। फॉर्मेंटेशन या जब कॉमन भाषा में सिकाई आप समझ सकते हैं, तो सिकाई 2 तरह की होती है, जैसे गर्म सिकाई और एक ठंडी सिकाई। जो बर्फ का इंपॉर्टेंट रोल है, जैसे कोई भी जब चोट लगती है तो शरीर में इंफ्लेमेशन या शरीर में बेसिकली जो जो भी आपको चोट लगी तो कहीं ना कहीं खून बहा होगा या आपके कहीं ना कहीं टिश्यू डैमेज हुए हैं, तो शरीर में जो इंफ्लेमेशन है वो ज्यादा होता है, तो उस वक्त ठंडी सिकाई का रोल है। तो अगर इमीडिएटली चोट लगी है तो उसमें आप बर्फ या किसी भी ठंडी सिकाई आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शुरू के 24 घंटे के बाद उसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि उसके बाद अगर सूजन फिर भी अगर बच्चे के सूजन अभी भी है तो उसके बाद आप जो गर्म सिकाई या हॉट फॉर्मेंटेशन बोलते हैं हम वो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना होता है कि कई बार इतना गर्म हम कपड़ा इस्तेमाल कर लेते हैं कि बच्चे की स्किन भी जल सकती है, तो इसीलिए हमेशा जब भी आप गर्म सिकाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमेशा आप कपड़ा या जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं हमेशा पहले अपने शरीर पे लगा के देखें, ये चेक करें ये कहीं बहुत ज्यादा तो गर्म नहीं है। अगर आप संतुष्ट हैं कि नहीं ये टेम्परेचर ठीक है, तभी आप उसको बच्चे के शरीर पे लगाइए।